भारत के लोग बुलेट ट्रेन को या तो पहले सपने में देखा करते थे या फिर मूवीज में, लेकिन अब जल्द ही भारतीय भारत में इस ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर इस प्रोजेक्ट को लेकर नई जानकारी भी शेयर की है। अश्विनी के ट्वीट के मुताबिक बुलेट ट्रेन के 508 किलोमीटर लंबे रूट में 14 जगहों पर एनीमोमीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या होता है एनीमोमीटर। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीम नाइन भारतवर्ष। एनीमोमीटर हवा की स्पीड को मेजर करने वाली डिवाइस होती है। इससे बुलेट ट्रेन की सुरक्षा भी बढ़ती है। एनीमोमीटर को इंस्टॉल करने का काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL को सौंपा गया है। NHSRCL की स्थापना खासतौर पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ही की गई है। इसमें रेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार की भागीदारी है। NHSRCL ने जानकारी दी है कि 14 में से 5 एनीमोमीटर महाराष्ट्र में और 9 एनीमोमीटर गुजरात में लगाए जाएंगे। अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एनीमोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत को। तो आपको बता दें, मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश के पश्चिमी हिस्से के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। पश्चिमी हिस्से के कुछ क्षेत्रों में हवा की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। ये कभी कभार इतनी तेज़ हो जाती है जिससे वायडक्ट पर ट्रेन चलाना सुरक्षित नहीं रहता। वायडक्ट एक पुल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो दो पिलर को आपस में जोड़ता है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुल 153 किलोमीटर का पुल तैयार हो चुका है। इन पुलों पर बुलेट ट्रेन के सुरक्षित संचालन के लिए एनीमोमीटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे काम करता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक प्रकार का डिज़ास्टर प्रिवेंशन सिस्टम है जो 0 से 252 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवाओं का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करता है। इसमें खास बात यह है कि ये 0 से 360 डिग्री तक तेज हवाओं पर नज़र रखता है। इन वजहों से तेज हवाओं और तूफान से निपटने के लिए NHSRCL ने ऐसी 14 जगहों की गुजरात में, जिनमें से 9 और महाराष्ट्र में 5 पहचान की है, जहां वायडक्ट पर एनीमोमीटर लगाए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर हवा की स्पीड मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज में है तो ट्रेन उसी हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करेगी। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी कि OCC अलग अलग जगह इंस्टॉल हुए एनीमोमीटर के माध्यम से हवा की गति यानी स्पीड की मॉनिटरिंग करता रहेगा। बाकी इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें टीम 9 भारतवर्ष के साथ।